यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? घर पे पढ़ने का एक अलग ही मजा है, आई होप। मजा नहीं भी है तो बेटा मजा लेना है। दिस कोर्स इज अ प्रोफेशनल कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। गेट स्टार्टेड, स्पीड भी पकड़नी ग्रेजुअली। ओके, लेट्स रिकैप व्हाट वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो था द सम, जो था अरिथमेटिक मीन इज प्रोपोर्शनली अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। यानी किसी सीरीज में कोई कॉमन वैल्यू प्लस करे, माइनस करे, चेंज इन ओरिजिन, इनटू करे, डिवाइड करे, चेंज इन स्केल, मीन पे उतना ही असर होता है, प्रोपोर्शनल असर होता है। किसी सीरीज का मीन 20 है और पूरी सीरीज में हम प्लस 4 कर दें तो नया मीन, वेरी गुड, 24। अगर किसी सीरीज का मीन 30 है और हम माइनस 10 कर दें तो 20, वेरी गुड। अगर किसी सीरीज का मीन 15 है और सीरीज को हम इंटू 2 कर दें तो मीन हो जाएगा 30। और किसी सीरीज का मीन 15 है और हम सीरीज को डिवाइड बाय 5 कर दें तो मीन हो जाएगा 3। तो अरिथमेटिक मीन इज प्रोपोर्शनली अफेक्टेड, उसी अनुपात में। जैसा हम ट्रीटमेंट करेंगे मैथमेटिकल, इंटू तो इंटू हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो इंटू 3 हो जाएगा। तो आई थॉट यू गॉट द पॉइंट, और हमने विद प्रूफ लिया था। आज हम लेते हैं एक नई प्रॉपर्टी विच इज स्लाइटली डिफरेंट। यहां चेंज इन ओरिजिन चेंज इन स्केल नहीं बढ़ा, यहां है डिविएशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी। डिविएशन जो हम अभी तक पढ़ रहे थे x माइनस ए, बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, डिविएशन मींस x का डिफरेंस फ्रॉम सम वैल्यू। आगे हम पढ़ेंगे इट कुड बी x माइनस ए, x माइनस x बार, x माइनस m मीडियम, x माइनस z, ये सब डिविएशन ही है बेटा। तो आज की प्रॉपर्टी है The sum of deviations, जिसको हम सिग्मा dx कहेंगे, sum of deviations taken from actual mean is always zero. इसको हम मैथमेटिकली तीन और वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिग्मा dx would be zero, but only and only if dx is x minus x bar. Or we can say the same property, sigma of x minus x bar is zero. Or x bar को हम am भी लिखते हैं ना बेटा, तो ये और ये तो almost similar notation है, और ये चार अलग अलग बातें नहीं है। एक ही question को चार way से पूछने का तरीका है। This is one of the most common question asked in CPT or CA foundation. इसको लर्न कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बट सम जीरो, हाउ? लेट्स टेक अ प्रूफ। तो आई हैव सम फाइव वैल्यूज जिनकी टोटल 50 है। 50 अपॉन 5 मीन 10। हम लेंगे dx बट नॉट x माइनस a, a लेते तो हम अज्यूमिंग a के 12 लेते, हम लेंगे x माइनस x बार 10। 2 माइनस 10 माइनस 8, 4 माइनस 10, 8 माइनस 10, 12 माइनस 10, 24 माइनस 10, 16 और प्लस 16 का जोड़ क्या आएगा बेटा? 0। तो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व, कि एक सीरीज है जिसका मीन 10 है और इसी मीन 10 को हम x माइनस करते हैं, x माइनस x बार, x माइनस 10, तो उसका सम वुड बी जीरो। लेट्स टेक अनदर प्रूफ, है ना, एक से बेहतर दो प्रूफ। आई हैव अ डिफरेंट डेटा, दीज आर फाइव डिफरेंट वैल्यूज। इस बार उनका सम है 100, 100 अपॉन 5 20। इस बार हम x माइनस 20 करके देखते हैं, 3 माइनस 20, 5 माइनस 20, 10 माइनस 20, 22 माइनस 20, 60 माइनस 20,
माइनस 42 प्लस 42। नो सरप्राइजेस, हमें पता था यही प्रॉपर्टी है बेटा। द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, आई रिपीट एक्चुअल मीन, नॉट फ्रॉम अज्यूम मीन। अगर आप इस सीरीज में 10, 5 या 22 अज्यूम मीन लेके x माइनस a करेंगे तो जोड़ जीरो नहीं आएगी। हमने जब मीन मेथड पढ़ा था, अज्यूम मीन लिया था, आप उस टेबल्स को देख सकते हैं, आप पाएंगे उस समय dx का सम जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो होता है। और वेरी सून हम इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो लेंगे। ओके, दीज आर टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी। ये देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपको कोई डेटा नहीं दिया हुआ है कि x की 5 या 6 वैल्यू दी और फाइंड मीन। आपको सिर्फ ये दिया हुआ है सिग्मा x माइनस 8 इज 0 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड अर्थमेटिक मीन। क्या कहेंगे, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, 5, 10, 8 और 16? कम ऑन, इट इज 8। व्हाई? द प्रॉपर्टी इज x माइनस x बार इज 0, x बार की जगह क्या है यहां 8, ये जोड़ 0 आई है, इसका मतलब जो 8 है वो उस गिवन डेटा का, जो डेटा हमारे पास है भी नहीं फिर भी हम बता सकते हैं उसका मीन 8 है। ये सीए फाउंडेशन में ऐसे क्वेश्चंस पास्ट में पूछे जा सकते हैं। नाउ दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, आई हैव क्रिएटेड फॉर यू राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, इट्स अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। सिग्मा x माइनस 10 इज इक्वल टू 20, कैन वी से अर्थमेटिक मीन इज 10? यस, द आंसर इज एम इज इक्वल टू 10 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? अगर ये एक्चुअल मीन होता तो ये जोड़ 0 होती बेटा, 20 नहीं होती, 0 होती, तब हम कहते ये अर्थमेटिक मीन है। गॉट इट? इसी प्रॉपर्टी को हम लेंगे। ये जो प्रॉपर्टी ली थी हमने, ये थी फॉर रॉ डेटा। ये जो प्रूफ भी लिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वो भी किसका था? रॉ डेटा। अब हम सेम प्रॉपर्टी को सीख लेंगे अंडर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा। लेट्स टेक द प्रॉपर्टी अंडर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा। पिछली बार प्रॉपर्टी थी सिग्मा डीएक्स इज 0 फॉर अ रॉ डेटा, इस बार थोड़ा सा चेंज है, सिग्मा एफ डीएक्स वुड बी 0। आई रिपीट, सिग्मा एफ डीएक्स, एफ इंटू डीएक्स का प्रोडक्ट का सिग्मा वुड बी 0 इफ dx is x minus x bar, so the property is the same but f frequency introduced हो गया है, क्योंकि discrete और continuous data में frequency column है। इसी property को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, sigma of f x minus x bar is 0, और x bar को हमने am से replace कर दिया, तो sigma of f x minus am is 0। अब इसका proof ले रहे हैं हम। Let's take the proof under discrete data. Continuous data आप अपने आप घर पे try कर सकते हैं। You can take an imaginary continuous data, या जो continuous data मैंने आपको solve कराया था उसमें आप ये property apply कर सकते हैं। Discrete और continuous की property as such same है, हम discrete पे apply करते हैं। This is a discrete data क्योंकि x और f given है, class interval नहीं, mean मैंने निकाल दिया है, fx का total निकाला, x bar is sigma fx upon sigma f, so the mean is 6 dx x minus x bar, हम लेंगे x minus 6, 4 minus 6, 5 minus 6, now we will multiply f column by the dx column so that we get f dx column, 10 into minus 2, 20 into minus 1, 30 into 0, 40 into 1, 40, minus ka 40, plus ka 40, again no need to be surprised, aap koi bhi data le le beta, not just this particular data, properties are universal, they will apply on each and every data. Sum of
product of f and dx, sigma f dx would be 0 if dx is x minus x bar. I repeat, the sum of frequency and deviation f dx ka sigma would be 0 if dx is x minus x bar. You have the proof in your front. Now one question for you, jo aap solve karenge aur jo mere students hain wo comment box mein answer batayenge. This is the question. Sigma f x minus 12 is 0. Find the arithmetic mean. Your options are 10, 15, 18 or 12. So let's take property number 3, which says the sum of deviation nahi batayenge, alag hai. The sum of squares of deviation. यानी पहले हम dx निकालेंगे, फिर dx का स्क्वायर निकालेंगे और उसका सम सिग्मा dx स्क्वायर. अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे, प्रूफ में देखेंगे. तो द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन दैट इज सिग्मा dx स्क्वायर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन. प्रॉपर्टी मीन की, अस्यूम मीन से नहीं लेना है. तो आई रिपीट, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज, जीरो की बात नहीं हो रही बेटा, इज मिनिमम. अब ये मिनिमम भी क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे, बट लेट्स टेक द प्रूफ. दिस इज सम डेटा. आई हैव टेकन इंस्टेड ऑफ 5 फोर वैल्यूज जस्ट फॉर अ चेंज. इन फोर वैल्यूज का सम है 24 डिवाइड बाय 4 6. लेट्स फाइंड फर्स्ट dx. सीधा dx स्क्वायर नहीं निकाल सकते. 2 माइनस 6 dx जो है वो x माइनस x बार है. मीन पे लगा रहे हैं हम प्रॉपर्टी. 2 माइनस 6 5 माइनस 6 8 माइनस 6 एंड 9 माइनस 6. हम देखेंगे तो ये जोड़ 0 आएगी, लेकिन फिलहाल ये प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं कर रहे हैं. तो लेट्स लीव द कॉलम विथ dx स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस का 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1 प्लस 2 इंटू प्लस 2 प्लस का 4 प्लस 3 इंटू प्लस 3. लेट्स एड देम 9 एंड 1 10 एंड दिस 20 30. द सम इज 30. दिस इज द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ dx स्क्वायर. दिस इज द मिनिमम पॉसिबल सम. व्हेन आई से 30 इज द मिनिमम पॉसिबल सम, इट डज नॉट मीन कि हर तरह के डेटा में कोई दूसरी चार वैल्यू होगी, कोई दूसरी पांच वैल्यू होगी, तो वहां मिनिमम कुछ और होगा. इन चार वैल्यूज का मिनिमम 30 है. ओके नाउ आप कहेंगे सर इससे बड़ा टोटल आएगा या छोटा आएगा. तो बेटा आप कोई दूसरा मीन की जगह कोई दूसरी वैल्यू अगर डालेंगे तो हमेशा इससे बड़ा आएगा. आई हैव जस्ट रिटन द वैल्यूज. आप लोग घर पे करेंगे और कमेंट बॉक्स में अभी अगेन मुझे बताएंगे ये रिजल्ट आएगी नहीं. तो टेक अज्यूम मीन 5 dx का x माइनस, हमने जो 6 लिया है आप 6 नहीं लेंगे, आप मीन से नहीं करेंगे. मीन से तो मैंने कर लिया, 30 आ रहा है. आप करेंगे मीन के अलावा कोई भी वैल्यू से. से फॉर एग्जाम्पल 5 dx रखें आप x माइनस 5, फिर dx स्क्वायर का कॉलम बनाए और सम निकाले, तो दैट सम इज 34. ट्राई फॉर योरसेल्फ. अज्यूम मीन मैंने 8 लिया है, फिर dx स्क्वायर का कॉलम बनाया उसका सम 46. नाउ द सम 34 एंड 46 आर नॉट मिनिमम, दीज सम्स आर ग्रेटर देन द सम 30. ये मीनिंग था इस प्रॉपर्टी का बेटा. अगर आपकी इच्छा है तो आप 5 और 8 के अलावा और इस 6 के अलावा एनी वैल्यू यू वॉन्ट टू ट्राई, ट्राई. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग. तो एक आप करें बेटा, 5 और 8 से तो मैंने कर दिया है, अज्यूम मीन 2 3 4 5 6 7 6 तो एक्चुअल मीन है 2 3 4 5 7 8 9 10. ये वैल्यूज रखें और देखें सिग्मा dx स्क्वायर 30 से ज्यादा आ रहा है या 30 से कम है. लेट मी नो, अगर किसी से किसी का 30 से कम आता है तो आई वुड बी एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू. तो बिफोर वी एंड द लेक्चर, वन क्वेश्चन फॉर यू, अ क्विज फॉर यू.
हमने अभी इतने क्वेश्चंस किए बेटा पिछले चार लेक्चर्स में, और आपने देखा मीन एक वैल्यू आया, तो मैं इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई सीक द आंसर फ्रॉम यू. द क्वेश्चन इज कैन अर्थमेटिक मीन बी नेगेटिव, कैन अर्थमेटिक मीन बी जीरो. तो डू रिप्लाई. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. कीप लर्निंग. थैंक यू.